नो लॉन्ग इंट्रो, सब कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन में है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द रिएक्शन। देख बहन, बादाम खाने से ना लकी का साउंड उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। चुम्मा चाटी खुल्लम खुल, क्या खुल्लम खुल, उसकी मिट्टी ना चुल, व्हाट उसको मैं ही इसी से यही। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, उसे मुझको छोड़ा भूतनी के कोसिंग करके मुंह को मोड़ा। She's rapping now. उसे मुझको छोड़ा भूतनी के कोसिंग करके मुंह को मोड़ा। आम जीती जागती डफर बफर करती अपनी जवानी उस बंदे पर। मिलेगा ना ढेला वाला डू द अकपेला। टिकदा दिखती थे, टिकदा दिखती थे, टिकदा दिखती था। This is so bad. Dil kismat phooti ki ki kya kya main ab to. Does this even qualify as a song? Yes, mein aayi akal. Maine dekha saap mein bhaga langa ghoda. Maine dekha saap mein bhaga langa ghoda. Uska ghoda mila ghoda tera ghoda kiska ghoda kitna ghoda kitna ghoda. Jaane balma ghodi pe kyu sawar hai? Maine usko choda bhutni ke gosi karke muko moda. Maine usko choda bhutni ke gosi karke. Sneha ke wo hai vocals hai isme. लेयर्ड में, लेकिन नहीं ओके। नेला इसलिए नेला पे गला, बट स्टिल वेरी बैड यार। व्हाट, रीबूट द बूटी, इट्स नॉट इवन ऑडिबल। सच अ मेस यार। Oh my God, it's trash, utter trash. So yeah, I don't know what to say. This was the song Bhadas / Badass from the movie Control by Sneha Khanwilkar, Ananya Pandey and Anvita Dutt. दिस डजंट इवन क्वालिफाई अ सॉन्ग। ये गाना कौन से एंगल से है ना, आप रैप है ये ना, कुछ गाना है ना, प्रोडक्शन अच्छा है, आई मीन एलिमेंट साउंड गुड, बट नहीं कुछ भी, इट्स नॉट कमिंग टुगेदर। रैंडम आइडिया यहाँ वहाँ डाल के आपने कुछ तो ऐसे ही बना दिया। दिस इज ओके, वील स्टिल टॉक इन डिटेल बट बिकॉज आई डू दैट ऑलवेज। लेकिन पहले ये ना ऐसा लगता है किसी मीटिंग में बैठे थे और बोले जेन जी का कोई गाना करते हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ करेंगे, फैशन रिलेटेड कुछ करेंगे, फिर उसको ही रैप करवा देंगे, कुछ ऐसे अमेरिकन फ्रेजेस एवरेज जो टाइप का कुछ डाल देंगे, कैची कुछ डाल देंगे, फिर एंगस्टी चलता है तो फिर धोखा वाला डाल देंगे, कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर फिल्म कैरेक्टर नाम डाल देंगे, नहले पे दैला को नैला पे दैला कर देंगे, खुल्लम खुल्ला को राइम करने के लिए खुल्लम खुल कर देंगे, फिर चुल से राइम हो जाएगा। इट्स वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड या। बट लेट्स एटलीस्ट टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सो पहले वोकल्स की बात करते हैं। ये कौन से भी एंगल से वोकल्स नहीं लगता, एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट अनन्या पांडे, आई मीन क्लियरली शी इज नॉट अ सिंगर, तो उनसे करवाया है ठीक है, नॉन म्यूजिशियन कर रहा है, बट स्टिल मैन कम ऑन, आप गाइड तो कर सकते हो उनको। एक रैप है जो फ्लो है, जिस तरह से स्विच आपको लग रहा है आप क्रिएटिवली स्विच कर रहे हो, नहीं यार एक कुछ भी है ये, और हुक टाइप की चीज़ रजिस्टर होने का भी आपने मौका नहीं दिया, कुछ रैंडमली भूतनी के और पता नहीं क्या है वो भी ठीक से सुनाई नहीं दिया। आई मीन आई डोंट वांट टू से इट, बट भूत है कि यू नो एम से स्टार्ट हो रहा है, वो कान को वैसा आ रहा था, इट वॉजेंट इवन क्लियर, उस तरह से मिक्स भी नहीं हुआ था वो। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड रीबूट द बूटी और समथिंग,
आई कांट इवन कीप अ स्ट्रेट फेस यार, इतना इतना अजीब गाना बजा. आई मीन व्हाट, आई डोंट इवन नो इफ आई शुड से व्हाट दे वर स्मोकिंग. एनीवे अनन्या पांडे को स्नेहा के बैकिंग वोकल्स डाल के यू नो दे ट्राइड टू डू समथिंग. आई मीन यू कांट ब्लेम हर, यू कांट ब्लेम अनन्या पांडे. शी नोज नथिंग, शी ट्रस्टेड दीज पीपल एंड दे मेड द सॉन्ग. ऑल दो चलो लेट्स टॉक अबाउट लिरिक्स. इसको लिरिक्स क्या बोले अभी, मतलब आई मीन AI could have done a better job, or maybe that's what they did. I don't know. If somebody says ChatGPT wrote the song, to shayad main khush ho jaun. But I mean, khush nahi matlab lagega ki itni kharab cheez hui koi random AI model hi kar sakta hai. Wo bhi nahi karega yaar, wo bhi isse acha likhta hai. पता नहीं. तो अन्विता दत्त, आई रियली लाइक हर एज अ लिरिसिस्ट. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. कला शी डायरेक्टेड, उसमें उनके गाने भी हैं. इवन खुदा जाने और इस तरह के गाने उन्होंने लिखे हैं. शी इज़ अ रियली गुड राइटर. बट अगेन इट डजेंट सीम लाइक दिस वॉज एवर अ सॉन्ग. ये कुछ मीटिंग बिठा के मतलब रैंडम चीज़ें कोई बोल रहा है और कुछ भी हो रहा है, ये वैसा लगा मुझे. दिस इज आई मीन हाउ डिड दे इवन मेक दिस सीरियसली यार, मतलब बनाते हो इतने पागलों की तरह हंसे होंगे. लेट्स टॉक अबाउट दी कॉम्पोजिशन. कुछ है नहीं इसमें कहने के लिए. रैंडम फ्रेजेस यहाँ वहाँ डाले हैं, कुछ तो किया है वीडियो के साथ मैश किया है, कुछ है ही नहीं यार बोलने के लिए. आई बीन डूइंग दिस ऑलमोस्ट 3 to 4 years नाउ. कुछ भी नहीं है बोलने के लिए. इट्स नॉट आई मीन इज इट लाइक अ सॉन्ग, आई हैव नो आइडिया. दिस इज़ सो वियर्ड एंड कुछ स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है आप एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो, बट एक्सपेरिमेंट होते होते भी उसको म्यूजिक तो लगना चाहिए राइट. आप वही बाउंड्री पार कर जाओ, लाइक इट्स नॉट कोहेरेंट टू अ पॉइंट वेयर डजेंट मेक एनी सेंस. वैसा है ये. आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोगों को थोड़ा भी इसमें सेंस बना क्या लगा, लेट मी नो. आई मीन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं हंसूँ रहूँ क्या. ये बहुत ही मतलब दिस एक म्यूजिक लेबल ने अपने चैनल से ये डाला है, एक फिल्म ने ये अप्रूव किया है. आई मीन दिस इज अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, आई मीन जो भी था मटेरियल उसके हिसाब से प्रोड्यूस किया है. मिक्स भी मुझे इतना उसमें क्लैरिटी भी नहीं लगी एक्चुअली. बहुत मिनिमल एलिमेंट्स हैं, एक सारे डांस म्यूजिक के थोड़े एलिमेंट्स हैं, 4-on-the-4 क्लिक किक है सॉरी, तो वो सब चल रहा है. बट उसमें डिटेल में जा ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ सो अब्सर्ड. इफ टोटली अब्सर्ड नॉनसेंसिकल वॉज द आइडिया दे वन, बट थोड़ा भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, आई डोंट नो क्या था. क्या आप जेंजी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो वीडियो में, क्या आप एंग्स्ट दिखा रहे हो, क्या आप यू नो आजकल के फ्रेजेस लेके कुछ बनाया जा रहे हो. आई मीन इवन बहुत ज़्यादा भी अगर आप छूट दे दें इनको तो भी इट डजेंट मेक एनी सेंस. आई मीन आई डोंट यूजली से दिस, आई डोंट लाइक क्लासीफाइंग थिंग्स एज सच, बट दिस इज़ नॉट रियली म्यूजिक. और ये आई मीन इफ एट ऑल दिस इज़ वेरी बैड राइट. आई डोंट वॉन्ट टू से वर्ड्स लाइक गारबेज एंड स्टफ बिकॉज दिमाग में वो आ रहा है. बट किसी ने इस पर टाइम लगाया है, किसी ने बैठ के इसको किया है, बनाया है, यू नो लॉजिक के कोई भी इस पर गए हैं, इसके वोकल लिए हैं, डाला है उस पर म्यूजिक, मतलब सैम्पल्स डाले, म्यूजिक बनाया, फिर उसको मिक्स किया, मास्टर किया, उसमें एफर्ट लगा है, पैसे लगे हैं. एंड दिस इज़ वेरी बैड यार, लाइक आई डोंट नो इफ दिस इवन क्वालिफाइज एज अ सॉन्ग. आई हैव नेवर बीन सो डम फाउंडेड. इतना किसी गाने ने मुझे चौंकाया नहीं. हाँ गाने हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते, बट मुझे मैं जो कुछ भी जानता हूँ उस पर सवाल उठ जाए क्या ये म्यूज़िक है, उस पर सवाल उठ जाए. जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ लाइक स्नेहा खनवलकर, शी इज़ एक्सपेरिमेंटल, शी इज़ क्वर्की वाकी, बट यार म्यूज़िक की बाउंड्री तो तोड़ के नहीं जाती ना. आई मीन इट मेक्स सेंस, शी डिड लाइक ऑब्वियसली एवरीबडी नोज गैंग्स ऑफ वासेपुर, लकी, वो सब तो किया ही है. मंटो के गाने उन्होंने किए, देन शी डिड दिस क्रेजी एक्सपेरिमेंटल टीवी शो MTV साउंड ट्रिपिंग, वो अमेजिंग था. एंड बहुत से उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं विद एनालॉग सिंस एंड ऑल दैट, जो उनके चैनल पे हैं, वियर्ड कोडेड म्यूजिक वगैरह. शी डज ऑल दैट क्वर्की वियर्ड स्टफ, बट स्टिल इट ऑल
somewhere has some musicality. This is very weird. Okay, the only thing I hope and pray ki Anvita Dutt, Gay, and even the actor, singer Ananya Pandey, Sneha, all of them, at least paise mile unko. Kyunki isse izzat ya naam ye to kuch aapko nahi milne wala is gaane se. I'm just hoping they made a lot of money. Yeah, so I don't know what to say about this song after that. So we'll just end it right there. That's it for this video. Thanks for watching. Please leave a like. Check out our stuff on my channel. If you haven't subscribed to the channel yet, kya kar rahe yaar? Please hit the subscribe button and the bell icon taki jab bhi naya video aaye, you get instantly notified. With all that being said, I'll take your leave and I'll see you all in the next video. Bye.